नवरात्रि को कैसे मनाया जाए, इसी से हम लोग अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं कि नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि नवरात्रि जो है दो तरह की पूजा होती है, एक नित्य पूजा होती है, दूसरी नैमित्तिक पूजा होती है। नित्य पूजा वो होती है जो हम रोज पूजा करते हैं, जो भी हमारे शंकराचार्य भगवान ने हमें हिंदू धर्म में गृहस्थ को पंचायतन करने की सुविधा दी है, तो हमारे लिए पांच देवी देवता की पूजा हम करते हैं। हमारे यहाँ पर पांच रकम की विशेष पूजा करने की व्यवस्था है। जो सूर्य को मानते हैं उन्हें सौरी कहते हैं, जो विष्णु को मानते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो शाक्त शक्ति को मानते हैं वो शाक्त हैं, और जो गणेश को मानते हैं वो गाणपत हैं। हम लोग चूंकि घरों में गृहस्थ पांचों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जी क्योंकि पांचों देवी देवता हमें पंच भौतिक तत्वों के बारे में बताते, इसीलिए चूंकि छितिजल पावक गगन समीरा ये पांच भौतिक तत्व से ही हमारा जीवन है, उद्भव है, विकास है और अंततो गत्वा मरण है। इसीलिए पंच पूजा करना देवताओं की हमारे शास्त्र में कहा गया, ये उपकारी है। परंतु इसमें से भी हम हिंदू होने के नाते अपने इष्ट देव को चुन सकते हैं, तो जिन जिन्होंने शक्ति को चुना है वो शाक्त कहे जाते हैं, और शाक्त अगर कहे जाते हैं तो नवरात्र उनके लिए महापर्व है, दूसरे सभी के लिए ये पर्व है, परंतु जो शक्ति को मानते हैं शाक्त उनके लिए ये महापर्व। तो नित्य पूजा के साथ साथ हमको ये महापर्व में नैमित्तिक पूजा करनी चाहिए, तो उसके लिए विशेष आयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमें घट स्थापन करना पड़ेगा, और घट स्थापन करके हम अपनी नित्य पूजा करने के पहले या बाद में विशेष रूप से नैमित्तिक पूजा को शुरू करें, और कल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर प्रथम दिन है तो हम कलश स्थापन करेंगे। कलश स्थापन का मुहूर्त सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। अपने अपने सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से मनुष्य 10:30 बजे से और 10:45 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय घट स्थापन कर सकता, या ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भी कर सकता। अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि उसमें अमावस्या नहीं है और प्रतिपदा शुरू है, इसलिए आप जरूर करें और पहले दिन ही आप शुरुआत करें, और अपने कुल के अनुरूप आप घट स्थापन करें, घरों में बंदरवार लगाएं, और आपका नया साल शुरू होता है। महापर्व नवरात्र को कल से ही पालन करें। जी,